हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आज हम जो आपको देखिए ये जो 12th की बायोलॉजी का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन का आज आपको हम पांचवा पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। कल के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, लघु बीजाणु जनन, या उसके पहले कल वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो परागकण हुआ करते हैं उनका एक कहने का मतलब कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, परागकण की अति सूक्ष्म संरचना के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है उसी के आगे जस्ट है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिए, लघु युग्मक जनन, जिसको आप लोग कहते हो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। एकदम सीधी सीधी सी मैंने बताया था कि पौधों में जो बनने वाले युग्मक हुआ करते हैं, एक लघु युग्मक होता है और एक गुरु युग्मक होता है। लघु युग्मक का मतलब होता है कि जिसका आकार छोटा होता है, और नर युग्मक का आकार छोटा हुआ करता है इसीलिए उसको लघु युग्मक कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है फीमेल गैमिट हुआ करता है उसका आकार बड़ा होता है इसलिए उसको गुरु युग्मक कहते हैं। तो अभी हम लघु युग्मक की ही प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं ध्यान दीजिए, लघु युग्मक जनन की बात कर रहे हैं। लघु युग्मक जनन में सबसे पहली चीज तो ये बात ध्यान दीजिए कि जो कल वाला लेक्चर आपको पढ़ाया गया था, अगर जो बच्चे कल वाला टॉपिक एकदम क्लियर किए होंगे उन्हें आज वाला टॉपिक एकदम क्लियर रहेगा। मैंने कल बताया था कि जो परागकण हुआ करता है जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जाता है उसमें दो लेयर दिखाई देती है, एक बाह्य चोल होती है और एक कौन सी होती है, अंतःचोल। ये स्पोरोदिन से बनी होती है और ये पेंटासेलुलोज से, ये इसको बाहरी मतलब कि भौतिक और रासायनिक विधियों से इसको शब्द की प्रोटेक्शन देती है, और इसी अंतःचोल के अंदर इसके क्या हुआ करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होते हैं एकत्रित रहते हैं, और उसी साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था कि दो प्रकार के गैमिट्स होते हैं। वो गैमिट्स कौन से होते हैं, एक आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक गैमिट न्यूक्लियस होता है। कुछ बुकों में इसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है, इसको गैमिट सेल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये जो आकार में बड़ा होता है उसको वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो हुआ करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेट सेल कहा किया करते हैं। तो पूरा अगर इसका भविष्य आप जानिए तो यही जो कायिक केंद्रक है मैंने बताया था, अब क्या हुआ करता है कि इसी कायिक केंद्रक से क्या हुआ करता है, बाद में पॉलन ट्यूब बनती है पराग नलिका, और उसी पराग नलिका के ही अंदर क्या हुआ करता है, ये आपका जाता है गैमेट न्यूक्लियस, और गैमेट न्यूक्लियस में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और उसके कारण क्या हुआ करता है, वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पराग नलिका हुआ करती है, पराग कण का जब अंकुरण होता है तो पराग नलिका युक्त और जो ये आपके दो गैमेट न्यूक्लियस होते हैं, इसी दो गैमेट न्यूक्लियस की संरचना को ही हम लोग कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। पराग नलिका युक्त या पराग नलिका एवं दो मेल न्यूक्लियस या मेल गैमिट न्यूक्लियस संरचना को ही क्या कहा जाता है, मेल गैमिटोफाइट कहा जाता है। और ये जो आपके सामने वाली स्ट्रक्चर है ये मेल गैमिटोफाइट जैसे स्ट्रक्चर है ये आपका। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, कायिक केंद्रक होता है और ये जनन केंद्रक होता है। कायिक केंद्रक का सिर्फ काम होता है कि इस गैमिट न्यूक्लियस को अपने रास्ते तक पथवे तक पहुंचाने के लिए काम करने का काम। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो वहां पे ये आपकी बात ले रही होती वहां पे इसमें छिद्र पा जाते हैं जिसको जनन छिद्र कहते हैं। तो इसी जनन छिद्र से ही क्या हुआ करती है, ये ट्यूब बाहर आती है। जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पराग नलिका का स्ट्रक्चर है, एक जनन छिद्र को ये तोड़ती हुई बाहर आती है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को तो मैंने आपको बताया, फिर से डिटेल में देंगे, लेकिन पहले इधर आइए ध्यान दीजिए। लघु युग्मक जनन पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त, देखिए मैंने यही कहा है, ये पराग नलिका है और ये नर युग्मक है। पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कण, ये पूरा अंकुरित पराग कण है, अंकुरित पराग कण को ही नर युग्मकोभित कहते हैं। पराग नलिका एवं नर युग्मकोभित अंकुरित पराग कण को ही क्या कहा करते हैं, मेल गैमिटोफाइट कहते हैं। और नर युग्मकोभित का निर्माण दो चरणों में क्या होता है, संपन्न होता है। इसके दो स्टेज हैं, दो स्टेज में जो अर्ली स्टेज है फर्स्ट स्टेज है उसे आप कल पढ़ चुके हैं, और जो सेकेंड स्टेज है उसको भी मैंने अभी थोड़ा डिटेल इसमें बता दिया, लेकिन उसको ध्यान दीजिए क्या है। पहला स्टेज है यह परागण से पूर्व होता है, जब पौधे में परागकोष परिपक्व होता है तो परिपक्व से होने के बाद परागकोष से क्या निकलते हैं, परागकण, और वो परागकण क्या हुआ करते हैं, जब उसके पहले की बात है, ये परागण से पूर्व होता है जिसमें परागकण विकसित होकर आकार एवं आयतन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये कल मैंने बताया था
केंद्रक के असमान मतलब समान रूप से बंटवारा नहीं होता है समसूत्री भाजन से कायिक केंद्रक जो आकार में बड़ा है उसको कायिक केंद्रक कहते हैं और तथा जनन केंद्रक जो आकार में छोटा है उसको क्या कहा करते हैं जनन केंद्रक का क्या होता है निर्माण होता है। मैंने बताया था इस चीज को कल आप पूरा पढ़े हुए हैं। और फिर कायिक केंद्रक जो होता है पराग नलिका के निर्माण में क्या होता है सहायक होता है। इतनी चीज तो आपको मालूम है। जैसे ही आपके पराग कण बाहर आएंगे वो आकार में वृद्धि किया करते हैं और उनका न्यूक्लियस असमान रूप से बढ़ जाता है तो जो बड़ा बनता है उसको कायिक केंद्रक कहते हैं जो छोटे आकार में बनता है उसी को क्या कहा किया करते हैं आपके गैमेट न्यूक्लियस कहते हैं। और अब ये द्वितीय चरण जो है सेकेंड स्टेज है यहीं से आपको थोड़ा आज ज्यादा केयर करके समझना है। अब सेकेंड स्टेज में क्या हुआ करता है मेरी बात ध्यान दीजिए यह चरण परागण के बाद संपन्न होता है। जब परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये जैसे ये परागकण है जब ये स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो होगा क्या जानते हो परागकण क्या किया करते हैं वहां पर पाए जाने वाले म्यूसिलेज पदार्थ को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है जैसे भी आप बीज को पानी में डाल देते हो तो वो अवशोषित कर लेता है उसमें से आंखें निकल आते हैं अंकुरण वैसे ही परागकण क्या हुआ करता है जब वर्तिकाग्र पर जाता है तो वहां पे जो म्यूसिलेज पदार्थ होता है उसका अवशोषण करता है और अवशोषण करने के बाद वो अंकुरित होता है। अंकुरित कैसे होता है जो आपका ये कायिक न्यूक्लियस होता है यही जनन छिद्र द्वारा क्या होता है जो आपका ये जो यहाँ आपका जेनेटिक पोर है जेनेटिक पोर यहाँ पे जेनेटिक पोर है इसी जनन छिद्र से क्या होता है वो बाहर आता है और बाहर जब देखिए निकला तो एक ट्यूब का क्या करता है निर्माण करता है उसी ट्यूब को ही हम लोग क्या कहते हैं पराग नलिका कहते हैं। इसका मतलब कायिक केंद्रक जो होता है ये पराग नलिका का निर्माण किया करता है और जब ये पराग नलिका बन जाएगी तो जो आपका ये गैमेट न्यूक्लियस है ये भी इसी के अंदर क्या हो जाता है आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या होता है इसी के ही अंदर आ जाता है पराग नलिका। ये जो बीच में लिखा गया काइलोस प्लग हो जाता है एक प्रकार का न्यूट्रिएटिव मटेरियल होता है जो इस पराग नलिका को क्या करता रहता है पोषण प्रदान करता रहता है। तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे यह चरण परागण के बाद संपन्न होता है जिसमें कायिक केंद्रक जनन छिद्र से निकलकर जो बात मैंने बताया अभी जनन छिद्र से निकलकर पराग नलिका का क्या करता है निर्माण करता है जो वर्तिकाग्र से होती हुई अब जब वो पराग नलिका बन जाएगी तो अभी जब हम आपको क्या बताएंगे इसका स्ट्रक्चर बताएंगे स्त्री केसर का और इसका तो ये इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसे। तो यहाँ से परागकण जब इसके ऊपर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से ये पॉलन ट्यूब क्या होती है इस ये वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र और वर्तिका को भेदती हुई ये कहाँ पहुंच जाती है वीजांड के अंडाशय में। तो वही दिखाया गया है वीजांड तक क्या हो जाती है प्रवेश कर जाती है और जनन केंद्रक अब जो ये गैमेट न्यूक्लियस है इस परागकली में आ जाएगा वो भी जैसे अब जब ये फटेगा तो यहाँ से जो इसके अंदर जो गैमेट न्यूक्लियस था वो भी इसी ट्यूब के अंदर आ जाएगा। कायिक केंद्रक ने परागनलिका का निर्माण कर लिया और गैमेट न्यूक्लियस क्या होता है वो भी परागनलिका में आ जाता है और जब वो परागनलिका में आता है तो उसमें भी डिवीजन होता है और उसमें जब डिवीजन होता है तो दो न्यूक्लियस बनता है एक प्राइमरी गैमेट आपका मेल न्यूक्लियस बनता है या मेल गैमेट का न्यूक्लियस और एक सेकेंडरी होता है इसीलिए कहा जाता है प्राथमिक नर केंद्रक होता है और एक द्वितीयक नर केंद्रक होता है। यहां ध्यान दीजिए फिर देखिए जो वर्तिकाग्र से होती हुई पराग नलिका कहां तक बीजांड तक प्रवेश कर जाती है और जनन केंद्रक पराग नलिका में आकर यहां से ध्यान दीजिएगा जनन केंद्रक जो होता है ये जो गैमेट न्यूक्लियस है ये पराग नलिका में आकर के समसूत्री विभाजन द्वारा अचल नॉन मोटाइल प्राथमिक एवं द्वितीयक प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी ये ध्यान दीजिएगा इसमें भी डिवीजन होगा। कायिक वाला तो पराग नलिका बना लिया और जो जनन वाला था वो प्राथमिक और कौन सा द्वितीयक नर युग्मकों का क्या कर लेता है निर्माण कर लेता है प्राइमरी मेल गैमेट्स और सेकेंडरी मेल गैमेट्स का क्या कर लेता है निर्माण कर लेता है। एकदम क्लियर हुई होगी बात यहाँ पे। और इस प्रकार पराग नलिका एवं दो नर युग्मक युक्त संरचना को ये देखिए एक पराग नलिका है और एक नलिमा को फिर ये है और एक नलिमा को आपका ये भी नरयुग्मक को नरयुग्मक की संरचना को क्या कहा करते हैं आप लोग क्या कहते हो नरयुग्मक को विधि पराग नलिका एवं दो नरयुग्मक की संरचना को ही क्या कहा जाता है नरयुग्मक को विधि कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो ये टोटल आपका स्ट्रक्चर था किसका लघु युग्मक जनन का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स आपके हैं जैसे आप इसको जानते भी होंगे परागकण का अध्ययन परागण विज्ञान
ज्ञान, जैसे विभिन्न प्रकार की साइंस की ब्रांचेस हैं, तो वैसे ये भी एक ब्रांच है। परागण का जो अध्ययन किया जाता है वो परागण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और अगली चीज जो हुआ करता है, परागण जो हुआ करते हैं ये बहुत ही क्या हुआ करते हैं जान लीजिएगा, एक तरीके से क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। परागकणों को विभिन्न प्रकार के पौधे से परागकणों को निकाल लिया जाता है और निकाल करके उनसे गोलियां बनाई जाती हैं, सिरप बनाई जाती है, जो जान लीजिएगा मनुष्य या कह सकते हो घोड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प किया करते हैं। परागकण को निकाल करके उससे बनाई गई जो ड्रग्स होती हैं, सिरप होती हैं, उनसे घोड़े को अगर दिया जाता है उनको गोलियों को, तो उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे गाजर हुआ करता है, इन सब के परागकण जो हुआ करते हैं ये मनुष्य में क्या किया करते हैं, एलर्जी उत्पन्न किया करते हैं। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको एक तरीके से पुंकेसर का, पुंकेसर के बाद परागकोष का, परागकोष के बाद लघु बीजाणुधानी का, फिर लघु बीजाणु जनन का, और फिर परागकण की अति सूक्ष्म संरचना, और अब यहां तक पूरा खेल हो गया है कि परागकण का क्या हो गया है, अंकुरण हो गया है, और ये परागण के बाद क्या होता है, परागनलिका आती है और बीजाणु में प्रवेश कर जाती है। तो एकदम पूरा इसका स्टेज क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। एक यहाँ पे प्राइमरी न्यूक्लियस बन चुका है और एक क्या बन चुका है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ अंडाशय में पहुंच चुके हैं और अब आपको दूसरा स्टेज बताया जाएगा कौन सा। पहले स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर के भाग कितने होते हैं, फिर अंडाशय क्या होता है, बीजांड क्या होता है, फिर गुरु बीजाणु जनन क्या हुआ करता है, इसको बताएंगे। तब फिर जब दोनों का निषेचन की पूर्व अवस्था समाप्त हो जाएगी तब आपको मिलेगा क्या, निषेचन, फिर द्विनिषेचन, फिर निषेचन की वस्त्र की अवस्था। तो इस वीडियो को पूरा आप एक बार देखिए और फिर एक बार ध्यान से देखिए, ज़्यादा इसलिए बड़ा नहीं बनाते हैं, आप इसको एक बार समझिए और फिर उसके बाद बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाइए और इसकी एक नोट्स तैयार कीजिए और आप सब लोग बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।